ऐसे नहीं हुई, तो कैसे ये पूरा किया आपने पूरी भर्ती का? संजय जी, हम लोगों ने 1,37,000 लोगों का टोटल रिक्रूटमेंट वर्तमान सरकार के गाइडेंस में, निर्देशन में किया है, जिसमें अभी हाल में हम लोगों ने 49,000 कर्मचारियों का रिजल्ट निकाला है और ये ट्रेनिंग पर धीरे धीरे 1-1.5 साल में इनकी ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाएगी। और इसके पहले भी हम लोगों ने 45,000 कर्मचारियों का रिजल्ट निकाला था। अभी हमारा जो फ्यूचर प्लान है, जिस जो गवर्नमेंट ने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने हम लोगों को अनुमति जिस चीज़ की दे दी है, वो 6,000+ सब इंस्पेक्टर्स की भर्तियों का है और जेल विभाग में भर्तियां हैं और उसके साथ ही साथ 2,000 फायर डिपार्टमेंट की भर्तियां हैं। और वो बहुत जल्दी हम जेल और फायर डिपार्टमेंट की जो भर्तियां हैं उसके लिए कंपनी का भी सिलेक्शन कर चुके हैं और सारे चीज़ों का तैयारी हो चुकी है। बस थोड़ा सा COVID-19 का इफेक्ट थोड़ा कम हो जाए तो हम उसमें डेट अनाउंस कर देंगे। और मेरा अनुरोध ये भी है कि जो लड़के फॉर्म भर चुके हैं, करीब 8 से 9 लाख लड़के फॉर्म भरे हैं, तो उनसे मेरा अनुरोध है कि वो इस लॉकडाउन के दौरान अच्छी से अपनी तैयारी करते रहें और जैसे ही लॉकडाउन नॉर्मलाइज होगा ये सिचुएशन, तो हम तुरंत उनका एग्जाम करवाएंगे। और मेरा अनुरोध ये भी है कि जो सब इंस्पेक्टर के लिए एस्पायर कर रहे हैं उसके लिए हम लोग प्रोसेस ऑलरेडी स्टार्ट कर दिए हैं, गवर्नमेंट से अनुमति भी मिल गई है और जैसे ही नॉर्मलाइज होता है तो हम उसको जो है एडवर्टाइज करेंगे, जिससे कि जो एस्पिरेंट हैं वो अपना फॉर्म भर सकें। सर, पहले जो भर्तियाँ होती थी, उत्तर प्रदेश की बात करें या देश की बात करें, तमाम आरोप उन पर लगते थे, लेकिन आपके द्वारा जो भर्ती अभी की गई है एक भी आरोप नहीं है, तो कैसे संभव ये हो पाया सर? क्या स्ट्रेटजी आपकी रही इसके? देखिए, हम लोगों का टोटली 100% ट्रांसपेरेंट सिस्टम है। लड़कों की जो कॉपियां होती हैं, 3 कॉपियां होती हैं, एक हमारे पास होती है, एक कंपनी के पास होती है, एक लड़का अपने पास रखता है। जो भी लड़के दौड़ के लिए कॉल किए जाते हैं वो टोटली मेरिट के आधार पर, जिसको कि इंटरनेट पर हम लोग डिस्प्ले कर देते हैं, और फाइनल जो मेरिट हम जारी करते हैं उसमें हर लड़के का, जैसे हमने 49,000 लड़कों का रिजल्ट जारी किया, तो हर 49,000 लड़कों का डिसेंडिंग ऑर्डर में हर बच्चे का मार्क्स कोई भी आदमी देख सकता है। और एक बच्चा पूरे 49,000 का दे सकता है, कैसे उसकी मेरिट बनी है, उसका क्या स्थान है। और जैसे 49,000 में करीब 12,000 लड़के ऐसे थे जो मेरिट में कम होने के कारण नहीं सेलेक्ट हो पाए, हम लोगों ने उनका भी नंबर डिस्प्ले किया कि आपके नंबर कितने हैं, बॉटम कट ऑफ कितना है और कितने नंबर का गैप रह गया। तो आप सरप्राइज होंगे कि बच्चों के गैप करीब 0.5 नंबर, 1 नंबर, 1.5 नंबर इससे मिस किए हैं, जिसका मतलब ये हुआ केवल एक प्रश्न अगर सही हो जाता तो शायद वो मेरिट में होते। तो ऐसे बच्चों के लिए हमने कहा है कि आपको डिस्करेज होने की जरूरत नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कई सारा रेगुलर टाइम पर हमें भर्ती करने का अनुमति दे रखी है। ऑलरेडी जैसे मैंने बताया 6,000 सब इंस्पेक्टर की है, ये जेल डिपार्टमेंट की है, बॉर्डर पुलिस की, माउंटेड पुलिस की है, ऑलरेडी हमारे पास अनुमति आ रखी है, फायर डिपार्टमेंट की आ रखी है, तो ये भर्तियां चलती रहेंगी। तो मैं समझता हूँ कि जो बच्चे अच्छे मेहनती हैं और एस्पायर कर रहे हैं वो तैयारी करते रहें अपनी, और हम फिर कोशिश यही है हमारी कि इन भर्तियों को हम जाड़े में दौड़ा के, विंटर सीजन में दौड़ा के, और नेक्स्ट ईयर जनवरी फरवरी तक आते आते भर्तियों का फिर कम्प्लीट करें। सर, हम दमकल विभाग की बात करेंगे तो कर्मचारियों की किल्लत शुरुआत से रही है, तो आज के कर्मचारियों की किल्लत है और किल्लत है तो इसको कब तक सर दूर करेंगे, क्योंकि आप भर्ती बोर्ड के चेयरमैन भी हैं? हमारे यहाँ एक प्रॉब्लम रही है कि हर तहसील हेडक्वार्टर पर फायर स्टेशन नहीं है। तो गवर्नमेंट ने हाल ही के दिनों में 110 के करीब नए फायर स्टेशन खोलने की अनुमति प्रदान किया माननीय मुख्यमंत्री जी ने। तो हमारे पास वर्तमान में करीब 5,000 कर्मचारी हैं, 5,000, और जो नए सेंक्शन हुए हैं उसके हिसाब से फिर कर्मचारी कम पड़ते हैं। तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने हम लोगों को 2,000 फायर कर्मचारियों को भर्ती करने का निर्देश दिया है और जिसकी प्रक्रिया चालू है। मैंने कहा हमारे टारगेट है कि ज़्यादा से ज़्यादा नवंबर या दिसंबर तक हम इस भर्ती को पूरा कर लेंगे। सर, गर्मियों में आग बहुत ज़्यादा लगती है, कई ऐसे इलाके होते हैं जैसे कुकरेल के जंगल में भी आग